समय पूरा देश कोरोना के संकट से जूझने में लगा है। इस वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है। वहीं दूसरी तरफ सीमा पार कुछ ऐसे दुश्मन भी हैं जो भारत को इस त्रासदी में धकेलने की चाहत रखते हैं। बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां आरोप है कि पड़ोसी देश नेपाल का रहने वाला एक व्यक्ति भारत में कोरोना वायरस फैलाने की जुगत में है। सीमा सुरक्षा बल से मिले इनपुट्स के आधार पर पश्चिमी चंपारण के DM कुंदन कुमार ने जिले के SP को पत्र लिखकर अलर्ट किया कि नेपाल से एक समुदाय विशेष के करीब 40 से 50 संदिग्ध लोग भारतीय सीमा में कोरोना वायरस फैलाने के मंसूबे से घुसे हुए हैं। उन्होंने SP से अनुरोध किया कि भारत नेपाल सीमा पर सावधानी बरती जाए और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर कड़ाई से निगरानी की जाए। SSB की चिट्ठी में जाली मुखिया के नाम का उल्लेख किया गया है। इस पर भारत विरोधी काम करने का आरोप है। साथ ही इस चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि COVID-19 से संक्रमित करीब 10 से 15 पाकिस्तानी नागरिक नेपाल में मौजूद हैं और वो भारत में दाखिल होने की फिराक में हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में महामारी फैलाने का काम सौंपा गया है। आइए जानते हैं कौन है ये जाली मुखिया जिसकी हर हरकत पर खुफिया विभाग नजर बनाए हुए है। इस साजिश को रचने वाले इस शख्स का नाम है जालिम मुखिया और ये नेपाल का रहने वाला है। नाम ही नहीं काम से भी है ये जालिम। जैसा नाम वैसा गुण। काम है नकली नोटों और अवैध हथियारों की तस्करी। जालिम मुखिया नेपाल के परसा जिले के सेरवा थाना अंतर्गत जगन्नापुर गांव का रहने वाला है। जालिम मुखिया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य है। बताया जाता है कि वो माओवादी ग्रुप का भी सदस्य रह चुका है। पिछली बार हुए नेपाल के चुनाव में उसकी बड़ी भूमिका थी। फिलहाल जालिम कोरोना पीड़ित मुसलमानों को बिहार के रास्ते भारत में एंट्री करवाने की फिराक में था, लेकिन समय रहते इसके नापाक मंसूबों की भनक प्रशासन के कानों तक पहुंच गई और इसके नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। वहीं साजिश सामने आ जाने के बाद नेपाल के जालिम मियां ने सफाई दी है। जालिम ने वीडियो जारी कर कहा कि भारत के साथ उसका बेटी और रोटी का संबंध है, ऐसे में वो भारत के वायरस फैलाने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता। मित्रता के संबंध बा, हमने के बेटी रोटी के भी संबंध बा, ऐसा जालिम मियां साजिश करे के का कारण? चाइना में ए वायरस फैल तो जालिम मियां फैल होले, अमेरिका में वायरस बा, इटली में वायरस बा, फ्रांस में वायरस बा, एशिया अफ्रीका सारा देश में ही बा। खबर सामने आने के बाद नेपाल में जालिम मुखिया की कोस तेज हो गई। नेपाल पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा कई मदरसों और मस्जिदों में छापेमारी भी की गई। इनमें कई पाकिस्तानी भी शामिल हो सकते हैं। साजिश का पर्दाफाश होने के बाद बिहार में नेपाल सीमा पर सुरक्षा बल सतर्क हैं। भारत नेपाल सीमा सील कर दी गई है। फिलहाल इस समय कोरोना की वजह से शासन और सरकार को अब दो दो मोर्चों पर काम करने की चुनौती है। HS न्यूज के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।